हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पैनी स्टॉक लेके आए हैं। ये देखिए, ये 19 जून 2020 को केवल 11 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर 10 दिसंबर 2021 को ये 23 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर अक्टूबर 2023 में ये 53 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर ये देखिए, फरवरी 2024 में ये 85 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था। तो एक लगातार एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और हम आपके लिए ऐसे स्टॉक लेके आते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होती है और जो फ्यूचर में भी आपको एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है, ये भी उन्हीं स्टॉक में से एक स्टॉक है। ये एक ऐसा पैनी स्टॉक है, इसके पिछले 3 सालों की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 83% की है और ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ये जो कंपनी, इसको 1979 में बनाया गया था और ये जो कंपनी है, ये जो तांबा होता है और तांबे से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसमें सबसे पहले आता है तांबे की प्रोडक्ट। तो ये जो तांबे की जो ट्यूब होती है उसको बनाती है और तांबे के जो गोल सडे होते हैं उसको बनाती है। कॉपर बस बार होता है, कॉपर वायर होता है, कॉपर प्रोफाइल होती है, तो ये इनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और दूसरा इसका तांबा मिश्र धातु प्रोडक्ट, तो इसमें ये DHP कॉपर ट्यूब होता है, एडमिल्टी ब्रास ट्यूब होती है, एल्युमिनियम ब्रास ट्यूब होती है, कॉपर होता है, कॉपर निकल ट्यूब होती है, ये इनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और तीसरा इसका निकल मिश्र धातु उत्पाद, तो इसमें जो ये निकल कॉपर अलॉय होता है 400 UNS, तो ये इनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। और चौथा इसका कॉपर निकल फिटिंग और फ्लेंजेस, कैप्रो निकल रेड्यूसर होता है, एल्बो टी क्रॉस सब एंड, तो इनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो इसके जो ये प्रोडक्ट होते हैं ये जिन उद्योगों में यूज होते हैं, तो ये पावर प्लांट होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, तो इनमें इसके जो ये प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा डिफेंस हो गया, केमिकल उद्योग हो गया, मरीन हो गया, HVAC हो, मोटर हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, शुगर प्लांट हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उद्योग हो गया और शिप बिल्डिंग कंपनीज हो गया। तो इन सभी उद्योगों में ये जो कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो ये था इसका बिजनेस मॉडल। अगर इसका टेक्निकल व्यू देखें तो ये बिल्कुल एक स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 125 करोड़ की है। इसका जो बॉन्ड वीक हाई है वो 93.20 रुपया है और जो लो है वो 24.20 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 46.90 रुपया है और इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो बिल्कुल एक नाम मात्र का ही है, 0.19% का है और जो प्रमोटर उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज है वो 33.10 करोड़ की है, जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो 102 करोड़ की है और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही रहती है। इसके पिछले 3 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 47.20% के हिसाब से बड़ी है और पिछले 1 ईयर के जो रिटर्न है वो 200% के हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 122 रुपया है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो केवल 3 रुपया है। और ये देखिए, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो सितंबर 2023 में इसने 64.72 करोड़ की सेल्स की है, दिसंबर 2023 में भी इसने 57.10 करोड़ की सेल्स की है। इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज वो 1.1 करोड़ का, 1.31 करोड़ का, 65 लाख का, 1.29 करोड़ का ऐसे हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो कंपनी है ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ये देखिए, इसके पिछले 12 महीने की जो सेल्स ग्रोथ है वो 32% की है, पिछले 12 महीने की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 68% की है, पिछले 12 महीने का जो CAGR है वो 200% का है, पिछले 12 महीने की जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 4% की है। और ना देख केवल पिछले 12 महीने की, बल्कि इसने ये देखिए एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में दिए हैं। और इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 44.42% की बनी हुई है और जो DII की होल्डिंग है इसमें वो 0.32% की बनी हुई है। काफ़ी लंबे समय से इनकी जो होल्डिंग है वो बनी हुई है और जो गवर्नमेंट है उसकी जो होल्डिंग है इसमें 0.04% की बनी हुई है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में उनकी जो संख्या है तो इसमें 9,902 इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, अभी जो ये स्टॉक है ये 85 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। तो जैसे ही आपको ये जो स्टॉक है 30 रुपये से 50 रुपये की रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है।
और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाए तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक लगातार एक अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है। ये एक ऐसा स्टॉक अगर आप इसको बाय करके थोड़े बहुत टाइम के लिए भी इसको होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। तो जैसे आपके बाइंग जोन में ये जो स्टॉक आए तब आप इसकी 50 क्वांटिटी हो गया 100 क्वांटिटी हो गया ऐसे करके इसको आप बाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।